नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। उरी आतंकी हमले की यूएन समेत कई देशों ने की निंदा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की मून ने कहा, उम्मीद करता हूं उरी के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में फ्रांस ने दिया समर्थन। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को दी धमकी, कहा किसी ने हमारी जमीन पर कदम रखा तो परमाणु हमला करने से गुरेज नहीं, शांति के लिए कश्मीर मसले के हल को बताया जरूरी। पाकिस्तानी कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने के दिए आदेश। मामले की सुनवाई में हाजिर होने में बार बार नाकाम रही मुशर्रफ, लाल मस्जिद अभियान के दौरान एक मौलवी की हत्या का है आरोप। रूस के संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पार्टी को मिली बढ़त। सत्तारूढ़ यूनाइटेड रशिया पार्टी को 51% मत मिले। खराब अर्थव्यवस्था के बावजूद मतदाताओं ने नेतृत्व पर जताया भरोसा। चीन में तूफान मलाकस का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया हाई अलर्ट। समुद्र तटों पर 4 मीटर ऊंची लहरें उठने की जताई आशंका। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।